2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चले। हमें हमारी विरासत पर गर्व है। पीएम ने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हुए 2047 तक देश को विकसित बनाने का लक्ष्य तय किया था। इस बात के मायने अगर समझे जाएं, तो भारतीयों की इनकम तब तक कई गुना बढ़ जाएगी। इसको अगर आंकड़ों में समझें, फिलहाल भारत में प्रति व्यक्ति आय $2,277.4 है और इस आधार पर भारत विश्व बैंक के हिसाब से निम्न मध्यम आय वाला देश है। वहीं विकसित देश वो होते हैं जहां प्रति व्यक्ति आय कम से कम $12,000 होती है। ऐसे में भारत को इस मुकाम तक ले जाने के लिए वित्त मंत्रालय और RBI ने मिलकर काम करने की योजना बनाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काफी चीजों को फिर से आकार देना होगा। इसमें डिजिटलीकरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचा सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जिनके प्रदर्शन के दम पर भारत विकासशील से विकसित देश बन सकता है। वित्त मंत्री ने इस पर भी फोकस किया है कि विकसित बनने के रास्ते में आय का असमान बंटवारा न हो और आर्थिक असमानता को कम किया जाए। जाहिर है वित्त मंत्रालय ने पीएम के ऐलान के तुरंत बाद ही इस टारगेट को हासिल करने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन ये मुकाम हासिल करने के लिए विकास दर को कहां ले जाना होगा, ये हाल ही में योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने बताया। अहलुवालिया के मुताबिक 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत को सालाना 8% की दर से विकास करना होगा। चीन की मिसाल को समझा जाए तो फिर ये लक्ष्य इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि 1990 और 2000 के बीच चीन की औसत विकास दर 11% रही, 2000 से 2010 के बीच 16.5% और बीते 10 वर्षों में चीन की औसत विकास दर 10% रही है। अगर चीन करीब 30 साल तक डबल डिजिट में विकास कर सकता है तो भारत के लिए 8% का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन दिक्कत इसी बात की है कि बीते 10 साल से भारत की औसत विकास दर बेहद कम स्पीड से बढ़ रही है। बीते 10 साल में भारत की विकास दर 6% के औसत से बढ़ी है। 2014 के बाद से भारत 5% की दर से बढ़ रहा है और ये हालात जल्द सुधरने पर भारत जहाँ है वहीं जमा रह सकता है। भारत की ग्रोथ में एक दिक्कत ये भी है कि यहाँ पर संगठित क्षेत्र के मुकाबले असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या कहीं ज्यादा है। भारत में करीब 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और देश का 45% प्रोडक्शन इसी क्षेत्र से आता है, लेकिन COVID-19 में ज्यादा प्रभावित होने से पहले ही असंगठित सेक्टर में लगातार गिरावट आ रही है। भारत के श्रम पोर्टल पर 27.5 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, इनमें 94% हर महीने ₹10,000 से कम कमाते हैं। ऐसे में अगर भारत की इकोनॉमी अगले कई बरस तक भी अगर मौजूदा रफ्तार से दौड़ती रही, तब भी भारत का 2047 तक विकसित देश बन पाना मुश्किल है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।